बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नए हजरात हैं वो कहानी चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी दबाएँ ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी बाय कॉल से मुस्तफीद हो सकें। इसके साथ अगर आपने हमारे प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं, और जैसे कल भी हमने आपको कहा था कि जो आने वाले दिन है हाई साइड पे मार्केट ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और मार्केट के डिप का वेट करता है। और अगर आपने होल्डिंग करनी है तो जो ऑयल सेक्टर है उसको होल्ड कर सकते हैं, उनका ट्रेडिंग लगी रहेगी जैसे न्यूज़ आती रहेंगी। और सऊदी अरब का वक्त जो पाकिस्तान आया हुआ है तो इस हवाले से न्यूज़ आती रहेंगी, तो उसके अंदर मूवमेंट आपको ट्रेडिंग के मौके जो है मिलते रहेंगे। अभी जो है रिफाइनरीज हैं और आपके साथ साथ जो है ऑयल सेक्टर जो है उसके अंदर जो है मार्केट चल रही है, उसके साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर है वो मार्केट को लीड कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर जो है मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। बाकी तो तमाम मार्केट जो है वो डल है और मार्केट के अंदर इतनी खास एक्टिविटी जो है आपको नज़र नहीं आती। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर आप अपना जो मेन पोर्टफोलियो है तकरीबन 70-80% तक जो बेशक आप ऑयल सेक्टर या जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं उनके अंदर आप कर सकते हैं। चूंकि हम लोग बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं करते इसलिए हम आपको एडवाइस भी नहीं देते बैंकिंग सेक्टर की, तो अपने मुताबिक जो है अपने सेक्टर के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। तो कल हमें ये आपको बताया था कि मार्केट के अंदर आपने प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है और मार्केट का वेट करना है। आप मार्केट जो है 70,405 का लो बनाया, वहाँ से तकरीबन 83 पॉइंट मार्केट रिकवर हुई और 60.92 नेगेटिव क्लोजिंग आई है। मार्केट जो प्रॉफिट टेकिंग मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड थी और होनी भी चाहिए प्रॉफिट टेकिंग जिन्होंने हाई साइड पे बाइंग सॉरी जो लो साइड पे बाइक किया होता है, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट हो रहे हो तो वो जो है मार्केट में उसको बुक करते हैं और प्रॉफिट को कैश जो है वो जेब पे डालते हैं। उसके साथ साथ जो है जो हाई है वो 71,000 का लेवल था, वहाँ पर मार्केट ने रिस्क किया और मार्केट क्लोजिंग आई 17,483। अभी भी कोई इशू नहीं है मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग होती रहेगी। मैंने आपको जैसे बताया कि ऑल सेक्टर के अंदर बॉटम पे आप इसको जो है बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। स्टॉक जो आपके लिए का है बाय कॉल है वो है ट्वीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। काफ़ी टाइम से ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर जो है ये शेयर परफॉर्म कर रहा है, और अभी जो कि बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है उस हवाले से भी बात करते हैं। बोर्ड मीटिंग के बाद से इसके अंदर जो है चार्ट आप देख सकते हैं। बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या अनाउंसमेंट आती है, क्योंकि इसके अंदर पहले भी जो है ये र्यूमर आई थी कि जो इसकी जो कंपनी है ट्वीट बैटरी लिमिटेड को इसके शेयर जो है ट्वीट कॉर्पोरेशन के अंदर मर्ज हो रहे हैं, इस तरह से कोई न्यूज़ आई थी उसके बिहाव पर ट्वीट कॉर्पोरेशन के अंदर भी आपने लास्ट मूव देखी थी 20-20 तक ये गया था, 19-20 तक वहाँ से दोबारा जो है नीचे आया। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं इस लेवल के ऊपर बुरा नहीं है रेट के ऊपर ट्रेड कॉर्पोरेशन, तो इसको यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। ट्रेडिंग वाला शेयर है आप साइड पे जाए तो लाजमी वहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, एटलीस्ट हाफ प्रॉफिट बुक करें और हाफ जो है फिर नीचे आपको मिल जाता है। आज भी देखें तो 16.15 का लो है और 16.62 का जो है वो हाई है, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी इसके अंदर आपको मिलती रहेगी, तो आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो टेक्निकल की बात करते हैं कि टेक्निकल कहाँ पे इसको बाय करना चाहिए, तो इसका जो 16.45 का जो लेवल बनता है एक बेस्ट जो बाइंग लेवल है वो 16.45 से अबव क्लोजिंग आती है, अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है ट्रेड होती है, तो यहाँ पे आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। इसको ब्रेकआउट आप समझ सकते हैं, एक ब्रेकआउट पॉइंट है 16.45 का, और आज भी देखें तो इसलिए वहाँ पर सस्टेन नहीं किया 62-60 के करीब जो है दोबारा वहाँ से रिवर्स होकर नीचे 16.28 पे क्लोजिंग इसकी आई है। तो जो एक सेफेस्ट लेवल पे वेट करना चाहते हैं और जल्दी जो एग्जिट होना चाहते हैं वो 16.45 का वेट करें, और क्योंकि बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है 23/4 को इसकी बोर्ड मीटिंग है, तो जैसे ही 16.45 क्रॉस करें और क्लोजिंग के टाइम आप देखें कि मार्केट क्लोज होने के टाइम भी जो है सस्टेन कर रहा है 45 के करीब करीब, तो फिर वहाँ पे आप इसके अंदर जो है वो एंट्री ले सकते हैं। और जो होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए जो है 16.30 का लेवल 16 के दरमियान आप इसको जो है वो एक्यूमेट कर सकते हैं। 15.90 का बिलो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अब जाने का जो है 30-40 पैसे हैं और उसके साथ जो अब डायरेक्शन है वो ज़्यादा है। इसका जो ब्रेकआउट मैंने बताया 16.45 है, और इसके साथ साथ जो है सेलिंग टारगेट जो है वो
16.80 और 16.90 इनिशियल जो इसको मिल सकती है रेजिस्टेंस इन लेवल के ऊपर मिल सकती है, और 17 से अबव क्लोजिंग देने में कामयाब होता है फिर इंशाल्लाह आपको 17.50 17.40 तक जो है वो नेक्स्ट आप इसको सेल करें, हाफ सेल करें, फिर ये नीचे आपको दोबारा मिलता है 17 के करीब करीब जो है दोबारा आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। उसके बाद 17.50 से अबव क्लोजिंग इसकी आती है तो फिर इंशाल्लाह 17.90 और 18 का लेवल आपको यह दिखा सकता है, और 18 से अबव क्लोजिंग 18 से अबव क्लोजिंग जो है इंशाल्लाह फिर आपको ये 20 का टारगेट जो है इसने अचीव किया था जनवरी 2024 में 15 जनवरी करीब जनवरी के महीने के अंदर, और उस टाइम भी आई थिंक इसकी बोर्ड मीटिंग की डेट चल रही थी तो जहाँ पे इसने ये लेवल अचीव किया, दोबारा जो है अभी उन लेवल के ऊपर आ चुका है कि यहाँ से जो है इसके अपवर्ड जो डायरेक्शन के चांसेस वो ज़्यादा हैं और डाउनवर्ड के चांसेस जो हैं वो कम है। डाउनवर्ड कितना 30 पैसे नीचे आ सकता है 40 पैसे नीचे आ सकता है, लेकिन अपवर्ड आप देखें तो आपको यहाँ से 2 से 3 रुपये भी मिल सकते हैं ट्रेडिंग करते हैं इसके अंदर ट्रेडिंग वाला शेयर है। बाकी जो है इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, मैंने जैसे डिस्कस किया कि पॉसिबल है कि टीबीएल शेयर्स जो हैं उसे अनाउंस करें, ट्रीट के शेयर्स होंगे उनको ऑफर करें और इस तरह, क्योंकि वो टीबीएल है वो तकरीबन जो कंपनी के पास उसके शेयर हैं और कंपनी मर्दी का जो है लोअर लॉक लगाती है, कभी मर्दी के जो है अपर लॉक लगा देती है, अभी तक पब्लिक के पास उसके शेयर नहीं है टीबीएल के, रीड बैटरी के शेयर हो सकता है पॉसिबिलिटी की भी जो है जो बोर्ड मीटिंग है उसके अंदर कोई इसकी हवाले से बातचीत हो या कोई इस तरह र्यूमर मार्केट के अंदर आ सकती है बोर्ड मीटिंग से पहले भी, उस र्यूमर के बेस पे भी जो है आप ये आपको ये अपसाइड जो है मूवमेंट दे सकता है। तो हमेशा याद रखें अपसाइड जाने पर जो है जितना भी प्रॉफिट मिल रहा हो उसको प्रॉफिट को एटलीस्ट आधा जो है वो जेब में डालें और फिर वेट करें मार्केट का, मार्केट के शेयर का वेट करें कि किस तरह परफॉर्म करता है, उसके मुताबिक दोबारा आप इसके अंदर बाइंग या जो है अगर वो नीचे आता है तो दोबारा जो है आपको जो रिमेनिंग क्वांटिटी होती है उसको भी आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमेशा जो है जब ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस के साथ जो सेलिंग लेवल होते हैं उनके ऊपर लिमिट लगा के रखा करें, इसमें कोई पैसा नहीं जाता मार्केट से ना कोई आपको ब्रोकर चार्ज करता है, ये हो सकता है अचानक इसमें बाइंग आ जाए और अपसाइड हो जाए तो आपके शेयर वहाँ पर बिक जाएँ, और अगर बॉटम की तरफ आता है तो आप ऑलरेडी जब सेल लेवल आपके लगाए होंगे तो आपको वहाँ पर जो है वो लॉस तो नहीं हुआ बल्कि आप वहाँ से प्रॉफिट से आपके शेयर जो है वो बिक भी जाएंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट और जो है वो लेते नहीं है या जो है लालच करते कि वो मजीद ऊपर जाएगा, जब वो रिवर्स होता है हमें पता भी नहीं चलता जो है दोबारा हम नेगेटिव जोन के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो हमेशा जो है लालच से गुरेज करना चाहिए और जैसे ही आपको स्टॉक मिले अच्छे लेवल के ऊपर अच्छी अर्निंग हो रही हो तो उसको जो है आप एटलीस्ट हाफ प्रॉफिट तो लाजमी जो है उसका बुक करें ताकि जो है वो आपके जो वो प्रॉफिट है वो सिक्योर हो सके। इस तरह के बाय कॉल के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी अब सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक क्विक पेज को और ट्विटर को हमें फॉलो कर सकते हैं, इसके साथ अगर आपने प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।